हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और लेकर आई हूं आपके लिए छोटे पर्दे की टॉप 5 न्यूज। सबसे पहले बात करूंगी हीरा कारोबारी मर्डर केस की, जिसमें छोटे पर्दे के सीरियल साथ निभाना साथिया की गोपी बहू का किरदार निभाने वाली देवोलीना भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया था। इस केस में दो आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें आरोपी सचिन पवार को मुंबई पुलिस ने हीरा व्यापारी के मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो वहीं दिनेश पवार को एक दूसरे गुना में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही हिरासत में ली गई गोपी बहू यानी देवोलीना ने इस केस के बारे में कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो जल्द ही इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगी। वहीं सलमान खान ने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर से कपिल शर्मा के साथ दोबारा साथ आने को लेकर कहा। इस बात की जानकारी खुद सुनील ग्रोवर ने मीडिया एजेंसी से बातचीत के दौरान बताई। सुनील ने कहा कि सलमान खान ने उनके साथ कपिल शर्मा के साथ वापस आने को लेकर आम बातचीत की थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, सुनील ने इस वक्त अपने शो कानपुर वाले खुरानाज पर ध्यान देने की बात कही। अब बात करते हैं हिना खान की। हमेशा से ही अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। स्टार प्लस के सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 को छोड़ हिना खान इस वक्त अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। वो इस फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि नो फिल्टर। शेयर की गई तस्वीर में हिना खान बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं स्टार प्लस के सीरियल नजर में दिखाई देने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट सेक्सी और खूबसूरत तस्वीरें डालती ही रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फैंस का दिल धड़काने के लिए एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें मोनालिसा ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है। अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में मोनालिसा ने ब्लैक कलर की प्यारी सी एक साड़ी पहनी हुई नजर आ रही है, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। एक्ट्रेस मोनालिसा बालों में चोटी बनाए हुई है, साथ ही कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए हैं। इसके अलावा कुछ हॉट पोज देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वहीं चाहे बॉलीवुड हो या फिर टीवी की दुनिया, आजकल के कलाकार अपने काम से संबंधित शूट में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इसी मेहनत में कभी उनके हाथ पांव टूटते हैं तो कभी उनके शरीर के किसी अंग पर चोट आ जाती है। ऐसा ही कुछ नामकरण फैन जैन इमाम के साथ हुआ। जैन ने अपने जख्मी होने की जानकारी अपने फैंस को सोशल मीडिया पर दी। जैन के हाथ में चोट लगी, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करके दी। शेयर की गई तस्वीर में उन्होंने ये बताया कि भले ही वो दर्द में हैं, लेकिन उन्हें काम पर जल्दी जाने की इच्छा हो रही है। अपनी स्टोरी पर उन्होंने लिखा कि व्हेन यू आर पेन यू आर गेम। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।